एक्वा स्टार नहीं है क्या? ये एक्वा स्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वा स्टार। आज के इस कुकरी बुक एवं यूट्यूब चैनल के लॉन्च के अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमें आपको ये बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि श्री अश्वर पाल सिंह द्वीपों के पहले शेफ लेखक हैं जो अपनी कुकरी बुक को लॉन्च कर रहे हैं। ये सिर्फ फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के लिए नहीं बल्कि पूरे द्वीपवासियों के लिए एक गौरवशाली क्षण है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं डॉक्टर रशीदा इकबाल, रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर आर्थिक खर्च। डॉक्टर रशीदा इकबाल जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप द्वीपों की आवाज प्रसिद्ध लेखिका एवं शायरा हैं। द्वीपों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में एवं कला और कलात्मकता को प्रोत्साहित करने में सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। इनके मार्गदर्शन में द्वीपों के कई होनहार कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने का मंच प्राप्त हुआ है। उपस्थिति की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित पद्मश्री अवार्डी श्रीमती कामाक्षी चेलमा जी का हम आदरपूर्ण स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। खाता है हम अपने नाश्ते में अगर इडली डोसा खाते हैं तो दूसरे दिन
आलू पराठा भी खाते हैं। इस तरह की अलग अलग चीजें हम अपने खाने में शामिल करते हैं और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि कोई अगर आगे से आकर पूछता है कि क्या यहाँ की स्पेशलिटी है तो हम बता नहीं पाते, इतना ही बोलकर रह जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ की सी फूड का खजाना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समुद्र के बीच में हम ये आइलैंड्स हैं, हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन कभी ऐसी कोशिश नहीं की गई। लोग अपने घरों में बनाते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन उसको इस तरह से उभार कर सामने लाना कि यहाँ में भी लोग अच्छी अच्छी रेसिपीज अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके, यहाँ के मसालों का इस्तेमाल करके, नारियल का इस्तेमाल करके कितनी अच्छी चीजें बनाई जा सकती है, ताकि देश के साथ साथ हमारे यहाँ जो टूरिस्ट भी आते हैं विदेशों से उनके सामने भी रख सके। और इस दिशा में अशोक की एक कोशिश, और अशोक को हमने हमेशा देखा है कुछ न कुछ नया करते रहना, कोशिश करते रहना। तो वो कहते हैं कि कुछ हासिल करने की कोशिश ही आपकी पहली जीत होती है, तो ये जीत उन्होंने हासिल कर ली है और ये उससे आगे जाने की दिशा में ये कदम अशोक का है। और हम सभी को मिलकर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये देखकर हमारी जो आगे आगे की जनरेशन है और बच्चे है वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी इस तरह के कदम आगे बढ़ाने की दिशा में सोचेंगे जरूर। और मैं बस इतना ही कहूंगी कि मैं हमेशा प्रयास करने वालों के लिए, जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उनके लिए हमेशा कुछ लाइनें कहती हूँ, उससे मैं भी प्रेरणा लेती हूँ। मैं फिर से वो कहना चाहूंगी कि डुबकियां सिंधु में गोता खोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मेहनत उसकी बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। सबसे पहले तो बोलना चाहूंगी कि अगर आज के इस दिन में कोई चीफ गेस्ट है, कोई यहाँ का स्पेशल अट्रैक्शन है, तो वो दो लोग हैं, एक नारियल अम्मा जी और पद्मश्री जी, और दूसरे द हीरो ऑफ द डे, नॉट ओनली द डे, आगे आने वाले अंडमान वासियों के लिए भी आप बहुत बड़ी प्रेरणा हो। मैं आज का जो शो है वो एक ऐसा शो है जो जिसमें बोलने का कम और मुझे लगता है चखने में और देखने का शो ज्यादा है। और मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी हम अपने बड़ों से सुनते थे और बचपन में हम लोगों ने देखा भी है कि जब हमारे घर में भी घर में चावल चढ़ाती थी अम्मा, तो फिर घर में जो भी कहीं कोने कोने में जो भी पेड़ पौधा होता था तो वहां जाती थी और एक नारियल तोड़ा, नारियल पीस लिया, एक पपीता तोड़ा, काट के नारियल में डाल दिया, कद्दू सॉरी आजकल तो कद्दू कहते कुमड़ा के पत्ते है ना, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना, तो उसके उसका पत्ता ले जो क्या सब्जी बनती, वो जो ये संजा फली, फिर आप भुइया जो लगा लो, कुछ भी अपने बगीचे से लिया और उसके सब्जी बना ली। ये तो आजकल जो मॉडर्न सब्जियां ये पैकेट में जो आने लगी वो तो अब आने लगी, अब तो यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब भी मोरिंगा की बात करते हैं, है ना। हम लोग अपने बचपन में कितना खाते थे मोरिंगा, अब मोरिंगा शब्द हमको नहीं मालूम था, हम तो संजा फली बोलते थे। तो आज देखिए पूरी दुनिया उसी की तरफ जा रही है जिन जड़ों से हम बहुत दूर हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अशरपाल सिंह जो जिन्होंने इतनी बड़ी कोशिश की है, उनकी कोशिश से फिर से हम अपनी जड़ों पे जाएंगे, फिर से हम अपनी जड़ों की चीजें पहचानेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आप सबको आपको एक बार फिर से बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि आप आगे जाएं। और नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ हैं शेफ अशरफ़ सिंह जी, जिन्होंने अंडमान निकोबार का नाम, और सिर्फ अंडमान निकोबार में ही नहीं मुख्य भूमि में भी जो है रोशन किया है, और अंडमान के पहले शेफ जिन्होंने आज यहाँ पर जो अपना बुक रिलीज़ किया है। तो आइए अब इसी विषय में हम इनसे बात करेंगे, और जैसा हमने आपको जो है इनका प्रोग्राम दिखाया, देन इनके बारे में हम जानते हैं। आज यहाँ पर जो बुक ओपनिंग हुई थी और काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे, तो आइए हम सर से बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार आप सभी का कि आप हमारे इस इवेंट में जुड़े आके,
और ये बुक रिलीज़ करने का मतलब ये था कि हमारे जायकों को, हमारे जो अंडमान की जो भी क्विजीन है उसको नेशनल एंड इंटरनेशनली प्रमोट करें। टूरिज़्म से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है हमारा आइलैंड, बट जब यहाँ पे खाने की बात आ जाती है ना, यहाँ की जायके की बात आ जाती है, तो इस जगह पे ना बहुत लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं रहता है। तो मेरी छोटी सी ये प्रयास है कि मैं अब फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के टाइटल के साथ हर जगह पे, यू नो, अगर कभी अंडमान का जिक्र हो तो फ्लेवर्स ऑफ अंडमान का नाम ज़रूर आए। मैं वही कोशिश करूँगा कि ऐसे कुछ हम मैं कर पाऊँ। तो उसी के साथ मैंने एक बुक लॉन्च किया है जिसमें हमारी बहुत पुरानी चीज़ें, जो पुरानी जो रेसिपीज़ थी हमारी, जो दादी नानी जो बनाया करती थी, जो स्वाद हम चखते हुए बड़े हुए हैं, उस चीज़ को मैंने उसको रिक्रिएट किया है अपने टचेस के साथ, अपने जो मुझे थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस मिला है खाने को लेके, मैंने उसी के साथ कुछ रेसिपीज़ अपनी बुक में दिया है। उसके साथ ही साथ मैंने एक चैनल भी लॉन्च किया है, वो भी फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के नाम से है, जिसको जिसे दुनिया के कोई भी कोने से कोई भी देख सकता है। तो क्यों ना चलिए, क्यों ना हम अपने अंडमान को कुछ दूसरे तरीके से प्रेजेंट करें पूरे वर्ल्ड पे। तो मैंने वो छोटी सी प्रयास की है, तो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट लोगों तक कैसे पहुंचता है और वो रिज़ल्ट के साथ हम और आगे क्या चीज़ कर सकेंगे। धन्यवाद अश्वरपाल जी। और देखिए, हमने इससे पहले भी जब आपने गणेश चतुर्थी के समय जो है लड्डू जब आपने बनाया था और उसमें जो है अंडमान निकोबार का नाम आपने जो है रोशन किया था, और उसको लेकर भी आप कुछ बताइए। जब हमने लड्डू बनाना शुरू किया था तब एक छोटी सी सोच थी हमारी कि क्यों ना, क्योंकि भगवान हमें हर साल देते हैं ना, तो क्यों ना हम उनके लिए कुछ छोटी सी कोशिश कर सकें, क्योंकि भगवान के आगे तो हम कुछ भी नहीं है। तो अगर मेरे हाथ में वो कला है तो क्यों ना मैं उस कला को भगवान के लिए, भगवान के भोग के लिए क्यों ना बनाऊँ। तो उसी प्रयास के साथ हमने कोशिश की थी छोटी सी, और वो छोटी जो कोशिश की थी भगवान ने हमें ना उसका बहुत बड़ा फल दिया। यू नो, हमें 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल से नवाजा गया, जो ऑल ओवर इंडिया के हर एक स्टेट्स पे हमें मिला है। साथ ही साथ लंदन से मुझे सर्टिफिकेट आया है, शारजा से मुझे सर्टिफिकेट आया है। तो आई थिंक ये अंडमान के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट थी, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट थी। और मेरे एक छोटी से प्रयास से, पापा की बहुत बड़े आशीर्वाद के तौर पे अंडमान का नाम बहुत जगह पे इस वजह से, लड्डू के वजह से बहुत ज़्यादा रोशन हुआ है। तो आई थिंक ये हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट थी, और अवार्ड लेना जाके वो, आई थिंक मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल मैंने कभी बनाने के पहले सोचा नहीं था कि हमारे साथ पापा हमें इतनी सारी चीज़ें, यू नो, वापस देंगे। आई थिंक उस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा मोटिव हमें मिला है, एंड हम उसी चीज़ के साथ हमने कुछ छोटी सी और प्रयास किए कि हमारे आइलैंड का नाम हम अपने जायके से भी मशहूर कर पाए। धन्यवाद हमें ये सब बताने के लिए, और आइए हम आपको दिखाते हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते हैं अब तक मेरे कैन वीडियो के साथ। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।